हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में नरगिसी कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। स्टार्ट करेंगे। मैंने चिकन ब्रेस्ट के स्मॉल पीसेस काट लिए हैं, देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में इनको काटा है मैंने। अब मशीन में मैं डालूंगी और इसका बिल्कुल बारीक पीमा बनाऊंगी, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली डन है, ज़बरदस्त, हमको ऐसे ही चाहिए था। अब मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है, इसको मैं क्रम्स बनाऊंगी। एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए मेरे पास हरा धनिया, एक हरी मिर्च और एक बड़ी प्याज है। हरी मिर्च आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो। इसको बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। ठीक है, हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। पीमा, प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च जो हमने चॉप की थी। अब कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट है, पेपरिका पाउडर है और कोफ्ते का मसाला है जो पैकेट वाला आता है वो यूज़ किया है मैंने। योगर्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए कोफ्ता बनाएंगे। ये मैंने पैटी की तरह से हाथ पर इसको फैलाएंगे, सबसे पहले कीमे को। अब एक बॉइल्ड हार्ड बॉइल्ड एग लिया है मैंने, इसको मैं कवर करूंगी पूरे अंडे को अंदर तक अच्छी तरह से। ये देखिए सब तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाए। अच्छा, मेक श्योर कि आपका हाथ जो है वो ग्रीस होना चाहिए, नहीं तो ये चिपकेगा हाथ पर और सही से बनेगा नहीं। तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। देखिए रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं एक और बनाऊंगी। एक बड़ी पैटी बनाएंगे हाथ पे, बॉइल्ड एग रखेंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल कवर करेंगे और बिल्कुल ज़रा सा भी कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा खुल के बिखर जाएगा। अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं, ग्रेवी तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाला, साबुत गरम मसाले, एक बड़ी प्याज मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, छोटी हैं तो दो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, कोफ्ते का मसाला। अच्छी तरह से भूनेंगे तक प्याज का कच्चापन, लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती बिल्कुल से और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उतनी देर इसको पकाएंगे। देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है मसाला। योगर्ट ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं बने हुए कोफ्ते डालूंगी और इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए स्पून नहीं हम यूज़ करेंगे, इस तरह से हिलाएंगे बीच बीच में ताकि टूटे नहीं। 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे कोफ्ते बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बाहर निकालेंगे और इसको मैं बीच में से हाफ कट करूंगी।
ये देखिए ज़बरदस्त परफेक्ट सर्व करेंगे नान के साथ, चपाती के साथ, वाइट राइस के साथ में सर्व करिए। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।